आज हम पढ़ने के वाले हैं इंटरफेस पाइथन विद MySQL। बेसिकली मतलब क्या है, देखो हमें MySQL पता है क्या है, हमने पाइथन भी पढ़ा क्या होता है, MySQL भी पढ़ लिया क्या होता है, लेकिन अब हमें ये सीखना है कि अगर हमने पाइथन में कोई कोड किया है तो उसको MySQL से, मतलब अगर हमें डेटाबेस से ज्वाइन करना है तो वो कैसे करेंगे। बात समझ में आ रही है? मान लो आप कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हो, तो मैंने आपको पहले भी ये बात बताई थी कि जब हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो बिना डेटाबेस के किसी भी सॉफ्टवेयर का कोई एग्जिस्टेंस नहीं, उसका कोई यूज ही नहीं है। आप ये मानो एग्जिस्टेंस इन द सेंस कि उसमें कोई यूज नहीं है। बहुत सिंपल सी बात है कि कोई भी चीज है, कोई भी डेटा है, फाइल है, ऑफिस है, कुछ भी है, बिना पेपर वर्क या बिना डेटा के तो सब बेकार है। ऐसे ही हमारा जो सॉफ्टवेयर है, जब तक आप उसको डेटाबेस से कनेक्ट नहीं करोगे तब तक उसका कोई यूज नहीं है। तो हमें हमारा जो पाइथन का कोड है उसको MySQL से ज्वाइन करना है, तो उसका क्या तरीका है, वो कैसे ज्वाइन करते हैं, वो हम इसमें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो मैं आपको कुछ स्टेप्स लिख देती हूँ, उसके बाद मैं आपको स्क्रीन शेयर करूंगी, तो आप उस चीज को देखते रहना, पिन कर लेना मेरी स्क्रीन को, जो दूसरे वाले नंबर से भी मैंने किया है ज्वाइन उसको पिन कर लेना, आपको दिखता रहेगा स्क्रीन पे, मैं समझाती रहूंगी, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल मैं यहाँ पे स्टेप्स लिख देती हूँ। सबसे पहला स्टेप क्या है आपको अगर यूज करना है, सबसे पहले तो स्टार्ट ही कर लो पाइथन को। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना होता है बेटा, सेकेंड स्टेप हमारा ये है कि हमें इंपोर्ट करने होते हैं पैकेजेस। पैकेजेस का मतलब क्या होता है कि मान लो जो भी हमें चाहिए, NumPy चाहिए, हमने पढ़ा है ना फर्स्ट चैप्टर में कि बहुत सारे पैकेजेस होते हैं कि जिसकी जैसी रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, पैकेज को इंपोर्ट कर लेते हैं। अभी मैं आपको सिखाऊंगी कैसे करते हैं एक बार और। उसके बाद हमें क्या करना है, कनेक्शन स्टेब्लिश करना है, तो उसके लिए हम एक वेरिएबल बनाते हैं। ठीक है, तो कनेक्शन हो गया, उसके बाद क्या करते हैं, एक कर्सर क्रिएट करते हैं। अब ये सारे स्टेप समझाऊंगी, पूरा चैप्टर ही केवल इन स्टेप्स का है कि इन स्टेप, पहले स्टेप में क्या है, सेकंड में क्या है, कैसे कैसे करते हैं, बहुत ध्यान से समझ से जाना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद हमें क्या करना है, क्रिएट अ कर्सर, हमारा कर्सर हो गया क्रिएट, उसके बाद हमें क्या करनी है, एग्जीक्यूट करनी है क्वेरी। उसके बाद एग्जीक्यूट हो गई हमारी क्वेरी, अब डेटा लेकर आना है, एक्सट्रैक्ट द डेटा। और लास्ट पॉइंट क्या है, अब हमारा डेटा तो आ गया, अब क्या करना है, क्लीन अप, क्लीन अप द एनवायरनमेंट। ठीक है, ये सात स्टेप आपको फॉलो करने हैं, और इनकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, किसी भी पाइथन के कोड में एसक्यूएल को आप रन कर सकते हो। ठीक है, जैसे अब सबसे पहला स्टेप मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर दूं, देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले स्टेप की बात कर लेते हैं, हमें क्या करना है, पाइथन को स्टार्ट करना है, मतलब आपने स्टार्ट किया पाइथन और उसमें जो भी आपको कोड लिखना है वो आपने लिखना स्टार्ट कर दिया, इसमें तो कुछ है ही नहीं, पाइथन स्टार्ट करना हमने अच्छे से ही आता है, पूरे 11 में पाइथन प्रोग्राम बनाया है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद क्या आता है, आपको क्या करना है, इम्पोर्ट करना है पैकेज, इसके अंदर हमें एक पैकेज होता है दैट इज कॉल्ड MySQL.connector। ये एक सॉफ्टवेयर पैकेज का नाम है जिसको हमें इंस्टॉल करना होगा अगर हमें ये वाला काम करना है, मतलब अपने पाइथन और MySQL को आपस में कनेक्ट करना है, तो उसके लिए एक सॉफ्टवेयर होता है, सॉफ्टवेयर पैकेज है दैट इज कॉल्ड MySQL.connector। तो इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, अपने जो भी हमें चाहिए उसको क्या कर सकते हैं, इम्पोर्ट करा सकते हैं। हमें ये क्यों जरूरत पड़ी, क्योंकि हमें जब कनेक्शन स्टेब्लिश करना होगा तो उसके लिए हमें एक फंक्शन की जरूरत होगी दैट इज कॉल्ड कनेक्ट। ठीक है, और ये जो कनेक्ट नाम का फंक्शन है ये किसके अंदर स्टोर होता है, इस वाली पैकेज के अंदर, तो इस वजह से हमें पहले इसको इंस्टॉल करना होगा, इसको इम्पोर्ट करना होगा, तब हम कनेक्ट को यूज कर सकते हैं। बात समझ में आ रही, मैं रिपीट कर रही हूँ, हमें कनेक्ट नाम का एक फंक्शन होता है जिसको हमें यूज करना है, और ये वाला जो फंक्शन होता है ये इस वाले पैकेज के अंदर होता है, तो इस वाले पैकेज को यूज करना होगा ना, तो इस वाले पैकेज को इम्पोर्ट करना हमारा सेकेंड स्टेप है। इसको इम्पोर्ट करने का सिंपल सा तरीका आपको क्या लिखना होगा, MySQL.connector, बहुत सिंपल। ठीक है, बात समझ में आ रही है। उसके बाद आपको थर्ड स्टेप क्या है,
मैं आपको ना सेंड कर देती हूँ, अपने साथ साथ में देखते भी रहना, आपको समझ में आता रहेगा जो भी ये फोटोज हैं इस वाले चैप्टर के। अगर बुक है तो बुक खोल लो अभी, है बुक अवेलेबल? मैं सेंड कर देती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसमें ठीक है, मैं उसके बाद इसमें क्या है, उसके बाद हमें कनेक्शन स्टेबलिश करना है। मैंने सेंड कर दिए, आप चेक कर लो और पेज नंबर खोलो 548। मैं लिख देती हूँ, अब वो थिंकिंग कि मैं इसको कास्ट कर लूँ पर कास्ट हो नहीं पा रहा। बेटा मैंने सेंड किए, जल्दी से पेज नंबर 548 खोल लो। खोला, देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, आपने इम्पोर्ट कर लिया। इम्पोर्ट करने का सिंपल सा तरीका क्या है, आपको इसके आगे क्या लिखना है, इम्पोर्ट mysql.connector। तो ये वाली फाइल क्या होगी, इम्पोर्ट हो जाएगी। ये वाला पैकेज क्या होगा, इम्पोर्ट हो जाएगा। उसके बाद हमें क्या करना है, कनेक्शन स्टेब्लिश करना है। कनेक्शन स्टेब्लिश करने के लिए आपको एक लाइन लिखनी होगी। जैसे लाइन लिखने के लिए आपको करना क्या होगा, मैं ऊपर की लाइन ये रफ कर रही हूँ। आपको क्या करना होगा कनेक्शन स्टेब्लिश करने के लिए, सबसे पहले आप मान लो कोई भी एक वेरिएबल का नाम लिख लो। मैंने माय कनेक्शन करने के लिए माय कॉन करके दिया हुआ है, आपके बुक में भी सेम दिया हुआ है ठीक है। उसके बाद आपको क्या लिखना होगा, इंपोर्ट करना है आपको। इंपोर्ट तो हो ही गया, यहाँ पर इंपोर्ट वाली लाइन आप इससे ऊपर लिख लोगे। उसके बाद आपको क्या लिखना है, या आप एक काम भी कर सकते हो, अगर आप नहीं चाहते हो इंपोर्ट यहाँ से करना तो आप सीधा एक काम और कर सकते हो, आप यहाँ पर भी लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो, mysql.connector, उसके आगे आप फंक्शन यूज करेंगे डॉट कनेक्ट ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। सबसे पहला स्टेप क्या था, पाइथन चलाना। पाइथन चलाने के बाद आपको क्या करनी थी, ये फाइल इम्पोर्ट। इम्पोर्ट अगर आप डायरेक्ट करना चाहते हो तो आप डायरेक्ट ये वाला स्टेटमेंट ऐसे भी लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इसको ऐसे नहीं लिखना चाहते, यहाँ लिखना चाहते हो तो यहाँ भी लिख सकते हो। फिर यहाँ करने के लिए आपको mysql.connector ऐसे ऐसे करके नहीं लिखना होगा, सीधा connector.connect करोगे तो वो चल जाएगा ठीक है। बट हमने ऐसे ही किया है। अब क्या करना है, ये ना ये प्रोसीजर है, आपको ऐसे इसको फॉलो ही करना होगा ठीक है। आप ये सोचो कि ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, ये ना इस प्रोसीजर है। जैसे मान लो आपको प्लस करना है तो आपको 2 के बाद 3 के बाद 4 पे ही जाना होगा, तो सेम प्रोसीजर है कि आपको क्या है, कुछ पर्टिकुलर स्टेप्स हैं जिनको आपको फॉलो ही करना होगा। जैसे मैथ्स में मैक्सिमम मिनिमम निकालते हैं, कुछ करते हैं, तो वो सेम प्रोसीजर हम फॉलो कर देना कि इसके बाद यही निकालना है, इसको जीरो के ऐसे कुछ जो भी है ठीक है। तो इसमें भी आपको क्या है, पर्टिकुलर स्टेप्स हैं जो फॉलो करना है। तीसरा स्टेप मैं आपको समझा रही हूँ, कनेक्शन। कनेक्शन स्टेबलिश करने के लिए एक कोई भी वेरिएबल का नाम ले लो, उसके बाद जो भी हेड फाइल हमें चाहिए, जो भी नहीं यही चाहिए क्योंकि हमें कनेक्ट फंक्शन को यूज करना है, तो mysql.connector.connect आप लिखोगे। ऐसे करके कनेक्शन स्टेबलिश हो जाएगा। अब इसके अंदर कनेक्शन स्टेबलिश करना कैसे है वो लिखते हैं। उसके बाद हम लिखते हैं, सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे होस्ट का नाम। होस्ट मतलब कहाँ पर आप इसको यूज कर रहे हो। मान लो हम लोकल सिस्टम पे यूज कर रहे हैं तो आप क्या लिखोगे, लोकल होस्ट। अदरवाइज अगर आपको किसी और पर्टिकुलर सिस्टम का चाहिए तो उसका आईपी एड्रेस लिख दो ठीक है। फिर लगाएंगे कॉमा, उसके बाद लिखेंगे इसी के आगे आगे लिखना होता है ना बेटा। उसके बाद लिखते हैं यूजर का नाम। यूजर का नाम मतलब जैसे आपको याद होगा कि MySQL जब हम चलाते थे तो उसमें क्या करते थे, पासवर्ड डालते थे, और जब हम इंस्टॉल करते हैं ना उस टाइम पे भी हम क्या करते हैं, यूजर नेम देते हैं कि किस नाम से आपका MySQL चलेगा ठीक है। तो वो ये उसी यूजर के नाम की बात कर रहा है। मान लो मेरे यूजर नेम जो है वो है माय पास कुछ भी ठीक है। फिर उसके बाद देते हैं पासवर्ड, जो भी पासवर्ड आप में गिवन है वो सब वो डालेंगे। हम मान लेते हैं चलो 123 ठीक है। बात समझ में आ रही है। सबसे पहले हम क्या देंगे, होस्ट। होस्ट का मतलब कौन से सिस्टम पे आप यूज करना चाह रहे हो। लोकल पे यूज करो तो लोकल होस्ट लिखते हैं, और अगर आप कहीं और यूज करो तो उसका आईपी एड्रेस लिख देते हैं यहाँ पर। फिर लिखते हैं यूजर का नाम कि किस नाम से वो यूजर है। उसके बाद हम क्या लिखते हैं, पासवर्ड कि जो भी पासवर्ड आपके में है। और उसके बाद आप कौन से डेटाबेस से कनेक्शन स्टेबलिश करना चाहते हो, उस डेटाबेस का नाम। मान लो मेरे डेटाबेस का नाम है टेस्ट। बात समझ में आई,
मैं रिपीट कर देती हूँ एक बार और मैं चलो रिपीट कर देती हूँ। कनेक्शन स्टेबलिश करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले एक वेरिएबल बनाना है जिसका नाम आप कुछ भी ले सकते हो, उसके बाद हम फाइल को उसके बाद पैकेज को इम्पोर्ट करेंगे। mysql.connector एक पैकेज है जिसके अंदर कनेक्ट नाम का फंक्शन है, तो इनको यूज करने के लिए सबसे बीच में डॉट लगा देंगे, यहाँ भी डॉट है बेटा, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके पैरामीटर में हम क्या देते हैं, सबसे पहले होस्ट, होस्ट का मतलब क्या है, कौन से सिस्टम पे आप इसको यूज करना चाहते हो, ठीक है। उसके बाद यूजर, यूजर का जो नाम होता है मतलब जो MySQL में यूजर और पासवर्ड होते हैं वो वाला यूजर नेम, और उसके बाद उसका पासवर्ड, और उसके बाद क्या देंगे, कौन से डेटाबेस, मान लो MySQL में तो बहुत सारे डेटाबेसेज आप बना सकते हो ना, तो उनमें से कौन सा डेटाबेस आपको कनेक्शन चाहते हो इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर में, उस पर्टिकुलर प्रोग्राम में, तो उस डेटाबेस का नाम लिखो, ठीक है। तो क्या होगा कि आपका जो पाइथन का प्रोग्राम है वो एक पर्टिकुलर डेटाबेस से जिसमें नाम आप दोगे उससे कनेक्ट हो जाएगा। अब वहां से आप जो भी टेबल्स हैं उनकी क्वेरीज है, मतलब उनका जो डेटा है उनको आप एक्सेस कर सकते, उसमें क्वेरी लगा सकते। बात आ रही समझ में? यहाँ तक समझ में आ गया कनेक्शन? यस मैम। ओके, उसके बाद आगे चलते हैं। अब क्या करना है, हमें कर्सर क्रिएट करना है। कर्सर क्रिएट करने का मतलब क्या है बेटा, कि मान लो जैसे मान लो मैंने बना तो लिया, कनेक्शन भी स्टेब्लिश कर लिया, लेकिन आप कर्सर तो बनाओगे ना, मान लो ये एक टेबल है, इसमें तो कर्सर आपको बनाना पड़ेगा ना कि डेटा यहाँ पर है या यहाँ पर है या यहाँ पर है, कहाँ पर है, आपको वहां पर लेके तो जाना होगा ना कर्सर को, तो हमें क्या करना होगा, एक कर्सर भी हम क्रिएट करेंगे। हाँ जी बेटा बोलो। मैम SQL टॉर क्या होता है? क्या होता है? SQL टॉर, SQL TOR, SQL TOR बेटा इसको हम अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी मैंने इसको समझाना स्टार्ट किया ना तो ये रह जाएगा, इसको अलग से डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। मैं आपको समझा दूंगी, ये वाला पूछ रहे हो क्या आप, SQL TOR जो इसमें दियो है ये? यस मैम। अच्छा ये वाला पूछ रहे हो, मुझे लगा आप POR बोल रहे हो, मैंने कहा वो अलग हो जाएगा। इसमें TOR देखो इन्होंने क्या लिखा हुआ है, पेज नंबर 549 पर इन्होंने लिखा है mysql.connector as SQL TOR, मतलब इन्होंने क्या किया है, जो ये पूरा नाम है ना उसकी जगह इन्होंने क्या करा है, एज करके उसको छोटा सा नाम दे दिया, इसका कोई मतलब नहीं है यहाँ पर, mysql.tor का यहाँ कोई मतलब नहीं है, समझ रहे हो। इन्होंने सिर्फ क्या करा, एक निकनेम दे दिया कि आपको कहीं भी mysql.connector लिखना होगा ना तो आप उसकी जगह सीधा sql.tor लिखोगे तो काम हो जाएगा, ऐसे बात, ठीक है। ओके मैम। मुझे लगा आप TOR बोल रहे हो, मैंने कहा वो तो अलग हो जाएगा उसमें। चलो खैर, कनेक्शन हो गया हमारा स्टेबलिश, हमारा नाम, अगला काम का क्या है, कर्सर को बनाना। कर्सर को बनाने के लिए क्या लिखोगे आप, कोई भी कर्सर का नाम दे दो, TOR ले लेते हैं, ठीक है। कर्सर बनाना किसका है, हमें जो कनेक्शन बनाया है जिस वेरिएबल का, उसका कनेक्शन का नाम क्या था, माय कौन था ना, और डॉट कर्सर। कर्सर एक फंक्शन है, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी कर्सर क्रिएट कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है, सिंपल है, बस ये लिखना है, हमारा कर्सर क्रिएट हो जाएगा। अब क्या है, एग्जीक्यूट करनी है क्वेरी, हमेशा कर्सर के साथ एग्जीक्यूट आप कर सकते हो। कर्सर का नाम क्या है, TOR, और साथ में आपको क्या लिखना होगा, डॉट करके एग्जीक्यूट, अगर आपको सीधी क्वेरी एग्जीक्यूट करनी है, TOR कर्सर के थ्रू डॉट एग्जीक्यूट। आप एग्जीक्यूट क्या करना चाहते हो, जो हमने अब हमें हमारे यहाँ पर वो यूज में आएगा जो हमने आज तक पढ़ा है SQL के अंदर। जैसे हमें मान लो सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम, मान लो स्टूडेंट टेबल है तो फ्रॉम स्टूडेंट, ऐसे करके क्या होगा बेटा, एक क्वेरी एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो जैसे ये क्वेरी चलेगी तो आउटपुट स्क्रीन पे आपको जितने भी स्टूडेंट टेबल के अंदर डेटा होगा वो सारा का सारा डेटा आपको दिखाई देगा। आई बात समझ में, यहाँ आके लग रहा होगा कि हाँ कुछ हुआ है, अभी तक तो लग रहा था पता नहीं क्या ही हो रहा है, समझ रहे हो ना, यहाँ तक समझ में आया। एक बार रिपीट कर देती हूँ, हमने क्या करा, सबसे पहले पाइथन खोला, उसके बाद हमने क्या किया,
बताओ। उसके बाद इंपोर्ट किया माई कनेक्टर हेड ऑफ पैकेज को। उसके बाद हमने थर्ड काम क्या किया, एक माइकॉन नाम का वेरिएबल बनाया कनेक्शन स्टेब्लिश करने के लिए। कनेक्शन स्टेब्लिश करने के बाद हमने क्या किया, क्रिएटर बनाया। उसके बाद हमने क्या किया, एग्जीक्यूट अ क्वेरी। अब हमने क्या कर दी बेटा, क्वेरी को ही एग्जीक्यूट कर दिया, ठीक है। अब हमने क्या किया, एक्सट्रैक्ट डेटा। अब हमारा काम क्या है नेक्स्ट, एक्सट्रैक्ट करना डेटा को। क्वेरी तो चला दी, अब हमने एक्सट्रैक्ट करा। एक्सट्रैक्ट तो देखो, एक्सट्रैक्ट करने के लिए ना कुछ मेथड्स आपके बुक में दिए हुए हैं। जैसे अगर आप ध्यान दो तो सबसे पहला डेटा क्या लिखा हुआ है, फैच ऑल। सबसे पहला फंक्शन लिखा हुआ है फैच ऑल। मतलब क्या है कि जो भी क्वेरी से आपका रिजल्ट आया है उसमें आप सारा का सारा रिकॉर्ड चाहते हो देखना, तो आप क्या लगा दोगे साथ में, फैच ऑल। तो फैच ऑल लगा दोगे तो जितना भी आउटपुट आया है इस वाली क्वेरी से वो सारा का सारा आपको शो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, फैच वन। मैं लिख देती हूँ साइड में, फैच ऑल। कर्सर के सारे इसको यूज कर सकते हैं ना, करेंगे। और फिर क्या है, फैच वन मतलब आपको क्या चाहिए, केवल पहली वाली एंट्री चाहिए आपको। मान लो ये आउटपुट आया है वन, ऐसे कुछ लाइंस का आउटपुट आया है। अगर आप फैच ऑल करोगे तो सारा का सारा आउटपुट आपको दिखाई देगा। अगर आप फैच वन करोगे तो आपको केवल पहली वाली लाइन दिखाई देगी, और अगर आप दोबारा से फैच वन लगाओगे तो आपको फिर से सेकंड वाली लाइन दिखाई देगी, फिर लगाओगे तो थर्ड दिखाई देगी। मतलब वन बाय वन करके आपको क्या दो, क्यों कहना, क्लास दे रहे हैं, क्लास के बाद क्या दोनों, ठीक है। बात समझ में आ गई। उसके बाद क्या है, एक और फंक्शन है फैच मैनी। बेटा ये समझ में आया ना, फैच वन। अगर आपने एक बार पहली बार फैच वन चलाया तो ये दिखाई देगा, मैम चलाओगे फैच वन, दोबारा चलाओगे अगर तो सेकंड वाली लाइन दिखाई देगी, फिर थर्ड वाली दिखाई देगी। जब बार 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 फैच वन को चलाओगे तब, अदरवाइज एक बार चलाओगे तो पहला ही दिखाई देगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, फैच मैनी। फैच मैनी का मतलब है आपको एक साथ बहुत सारी लाइन चाहिए। उसके बाद हम नंबर दे सकते हैं, मान लो हमने चाहिए चार, चार तो है ही हमारी, तीन दे देते हैं, तो क्या होगा, फैच मैनी थ्री। मतलब वो तीन लाइन दिखा देगा आपके आउटपुट की, समझ लो, वन टू थ्री, तीन लाइन मैनी में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट फंक्शन क्या है आपका, रो काउंट। रो काउंट का मतलब हम तब यूज करेंगे जब हमारा आउटपुट आ गया है। मान लो हम चाहते हैं कि देखना चाहते हैं कितनी रोज हमारी आई हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, रो काउंट। तो रो जितनी भी रोज हमारी आएंगी वो उनको काउंट करके दिखा देगा। बात समझ में आ गई। बेसिकली चार ही फंक्शन है, मैं रिपीट कर देती हूँ। फैच ऑल मतलब सारा का सारा आउटपुट जो भी क्वेरी रन करने पर आया है वो शो करेगा। फैच वन मतलब एक बार में एक लाइन। फैच मैनी मतलब आप दे सकते हो कितनी लाइन्स आपको चाहिए, सारा नहीं चाहिए, मैनी चाहिए, मतलब कुछ क्वान्टिटी में चाहिए, जितना भी चाहिए वो नंबर है आगे। और उसके बाद क्या, रो काउंट कि कितनी रोज का आउटपुट आपका आया है वो क्या कर देगा, उनको काउंट करके न्यूमेरिकल दे देगा आपको, ठीक है। जैसे कि अगर आप 551 पर देखोगे तो फैच ऑल मेथड यूज किया हुआ है, लिखा है डेटा डॉट डेटा इक्वल्स टू कर्सर डॉट फैच ऑल। और देखो नीचे देखोगे अगर आप, तो सारा का सारा डेटा आपको दिखाई दे जाएगा जितना भी आउटपुट से आएगा। उसके नीचे उन्होंने काउंट इक्वल्स टू कर्सर डॉट रो काउंट लिखा हुआ है। रो काउंट का मैंने आपको बताया क्या यूज है, रोज को काउंट करना। जितना आउटपुट आया है, सात लाइन का आउटपुट आया है तो सात इसने काउंटिंग दिखा दी, सात रो, ठीक। फैच मैनी दिया है, फैच वन आप इसको पढ़ के देखना, समझ में आ जाएगा इजीली, कुछ भी नहीं। आगे चलते हैं, हमारा एक्सट्रैक्ट भी हो गया डेटा, अब हम क्या करेंगे, क्लीन अप एनवायरनमेंट। अब हमारा काम तो हो गया, डेटा भी आ गया, जो चाहिए था वो सब आ गया, अब क्या करेंगे, कनेक्शन को डिस्कनेक्ट करेंगे। कनेक्शन को डिस्कनेक्ट करने के लिए आपको क्या करना है, बहुत सिंपल सा। आपको जो भी आपने जिस नाम को बनाया है, हमने किस नाम से बनाया था, माइकॉन, ठीक है, तो माइकॉन को क्या कर देंगे, बंद। तो कैसे लिखोगे बेटा, माई कनेक्शन माइकॉन डॉट क्लोज। तो क्या होगा, ऐसे करने से आपका जो कनेक्शन है वो हट जाएगा, मतलब जो MySQL से कनेक्शन बना हुआ है डेटाबेस से वो क्या होगा, वो वहां से हट जाएगा। बात समझ में आ रही है। इसमें कुछ प्रोग्राम्स भी आपको छोटे छोटे, ये सारी लाइंस को कंबाइन करके एक प्रोग्राम छोटे छोटे बनाए हुए हैं, उनको आप पढ़ के देखना जरूर,
आपको समझ में आ जाएगा इजिली, कुछ भी नहीं है ज्यादा। एक स्टेटमेंट और है इसमें, अच्छा ऐसे ही ना और भी क्वेरीज दे रखी हैं, जैसे पैरामीटराइज्ड क्वेरी दे रखी है, इनको आप पढ़ के देखना, नहीं आएगा समझ में तो फिर से डिस्कस कर लेंगे हम लोग, ठीक है। एक चीज और इसमें टॉपिक दिया हुआ है, अगर आपको इंसर्ट या अपडेट क्वेरीज या डिलीट क्वेरीज चलानी है तो, ये बात तो समझ में आ गई ना यहाँ तक, किसी भी स्टेप में कोई डाउट yes, ma'am. चलो आगे चलते हैं। अगर आपको परफॉर्म करनी है, देखो सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट में तो कुछ नहीं था, नॉर्मल था, सिर्फ सेलेक्ट की क्वेरी लिखी, आपको जैसी भी क्वेरी जो भी क्वेरी लिखनी है वो सब उसके अंदर लिख दो तो काम हो जाएगा। बट अगर आपको इंसर्ट या फिर डिलीट या फिर अपडेट अगर क्वेरी चलानी है ना, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। ये देखो आपको करना क्या होगा, आपने जैसे क्वेरी चलाई जब आप एग्जीक्यूट कर रहे हो तो आपने ऐसे करके चला दी एग्जीक्यूट करने का, जैसे मान लो आपके बुक में भी इन्होंने एग्जाम्पल दिया हुआ है, एससी के अंदर इन्होंने लिखा है इंसर्ट इनटू स्टूडेंट और रोल नंबर नेम मार्क्स ग्रेड सेक्शन, और नीचे करके इन्होंने वैल्यूज भी दे रखी है, फॉर्मेट दे रखा है, ठीक है दिखाई दे रहा है, ये सब इन्होंने चला दिया। मैं ऐसे बस एससी लिख देती हूँ, मान लो एससी के अंदर आपने जो भी इंसर्ट इनटू करके सारी क्वेरी आपने इसके अंदर लिख दी कि आपको क्या क्या इंसर्ट करना है। अब क्या करना है, कर्सर चला के एग्जीक्यूट करेंगे, कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, किसको एग्जीक्यूट करना है, एससी, एससी हो गया एग्जीक्यूट, ये तो हमने पहले भी पढ़ लिया, इतनी बात समझ में आ गई ना, ये तो हमने पहले भी पढ़ा ना, कर्सर बनाने के बाद उसको एग्जीक्यूट करेंगे तो ये हो गया, इससे ऊपर का नहीं लिख रही मैं, सीधा एग्जीक्यूट वाली क्वेरी चला के दिखाइए आपको। एग्जीक्यूट करने के बाद अब हमें क्या करना है, अगर हम इंसर्ट डिलीट या फिर अपडेट कर रहे हैं तो हमें एक चीज का ध्यान रखना है, क्या कि हमें क्वेरी चलाने के बाद उसको कमिट करना जरूरी है। क्या करना जरूरी है उसको, कमिट। कमिट का मतलब है कि जो हमने क्वेरी चलाई है वो सही से चल गई है, ठीक है, लेकिन हम ये जो चेंजेस हुए हैं इंसर्ट डिलीट और अपडेट के थ्रू, हम उसको रिफ्लेक्ट भी करना चाहते हैं अपने डेटाबेस के अंदर। लेट मी रिपीट इट अगेन, मैं ये कह रही हूँ जब हमने इंसर्ट किया है, डिलीट किया है या अपडेट किया है, तो हम ये चाहते हैं कि जो हमने यहाँ पर चेंजेस आपको बताए हैं वो वाले पर्टिकुलर चेंजेस जो हमने डेटाबेस कनेक्ट किया था टेस्ट नाम का, उस वाले डेटाबेस के टेबल के अंदर भी रिफ्लेक्ट हो, और रिफ्लेक्ट करने के लिए हमने क्या कमांड चलाई है, दैट इज कॉल्ड कमिट। समझ में आई बात, कमिट चलाते कैसे हैं, आपने जो भी कनेक्शन बनाया माई कॉन डॉट कमिट, क्योंकि ये फंक्शन है तो हमने क्या लगा दिए, ब्रैकेट। बात आई समझ में बेटा? यस मैम। ऐसे ही अगर आपको डिलीट करना है तो देखो एक तरीका और आ गया आपको करने के लिए, कि आपको एग्जीक्यूट के अंदर सीधी कमांड लिखनी है, जैसे हमने पहले आपको याद हो कैसे किया था, कर्सर डॉट एग्जीक्यूट के अंदर हमने सीधी कमांड लिख दी थी सेलेक्ट एस्टेक वगैरह वगैरह करके। अगर आप चाहते हो कि कुछ और डायरेक्ट तरीका ना हो इसके अंदर ना लिखे, तो आप ऐसे ही कर सकते हो, एक वेरिएबल बनाओ उसके अंदर पूरी क्वेरी लिख दो और उसको एग्जीक्यूट के अंदर उसको डाल दो, ये तो सिंपल ही था, ठीक है। जैसे हमने इंसर्ट किया है ऐसे ही आप क्या कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, बस यहाँ एसटी के आगे डिलीट करके पूरी क्वेरी लिख दोगे तो हमारा काम हो जाएगा, ऐसे ही एसटी के आगे अगर आप अपडेट करके लिख दोगे तो भी हमारा काम हो जाएगा। बट आपको इन तीनों के लिए अगर आपने ये नहीं चलाई तो फिर वो सही से काम नहीं करेगी, वो रिफ्लेक्ट नहीं करेगी आपके टेबल के अंदर, ठीक है, वो आपके डेटाबेस में शो नहीं होगी। समझ में आ रहा है, यहाँ तक समझ में आ गया? मैं रिपीट एक बार, हमने जो हमें पाइथन को और MySQL को दोनों को आपस में कनेक्ट करना है तो उसके लिए हमें क्या करना है, बेसिकली
सात स्टेप्स को फॉलो करना है. सबसे पहले पाइथन स्टार्ट करना है, ठीक है, वो तो आप करोगे अंडाउटेडली, तभी तो आप उसके अंदर लिख पाओगे. उसके बाद क्या करना है, हेडर फाइल, हेडर जो पैकेज है उसको इम्पोर्ट करना है, कनेक्शन को स्टेब्लिश करना है. देखो सोच करो ना, हमें कनेक्शन स्टेब्लिश करने के लिए हेडर फाइल की जरूरत थी, हेडर पैकेज की, तो हेडर पैकेज हमने क्या कर लिया, उसको इम्पोर्ट कर लिया. और उसके बाद क्या करना है, कनेक्शन स्टेब्लिश किया, कनेक्शन के बाद कनेक्शन हो गया, अब हमें क्या चाहिए, कर्सर चाहिए जिससे वो काम कर सके, तो हमने कर्सर बनाया. खत्म काम, कर्सर के बाद क्या करनी, एग्जीक्यूट क्वेरी बनाओ, डेटा चाहिए जो जैसे चाहिए वैसे उस पर काम करो, पैच सारा करना है सारा करो, वन करना है वन, जैसे भी करना है वैसे करते चले जाओ और कर दो क्वेरी खत्म. सात स्टेप्स आपको नॉर्मली यही फॉलो करने हैं. उसके बाद अगर आपको मेन चीज, एक और चीज के अंदर क्या, कि अगर हमें इंसर्ट डिलीट या अपडेट करना है तो उसको चलाने के बाद दैट इज मैंडेटरी टू कमिट द वेरिएबल. हमें कमिट करना जरूरी है इस पर्टिकुलर वेरिएबल के थ्रू, किसको, इस क्वेरी को, नहीं तो ये डेटाबेस में रिफ्लेक्ट नहीं करेगी, ठीक है. बाकी इसमें पैरामीटराइज मैंने आपको लिए छोड़ा, पैरामीटराइज क्वेरी, क्वेरी पढ़ के देखना, बिल्कुल सिंपल है. मतलब हम पैरामीटर्स भी आगे यूज कर सकते हैं क्वेरी के आगे. जैसे इन्होंने क्या किया है, एक इन्होंने बनाया है आई एम पी नाम का वेरिएबल जिसके अंदर इन्होंने 70 लिखा है, ठीक है. और क्या लिखा है, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट, ऐसे लिखा है, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट वेयर मार्क्स इज ग्रेटर देन आई एम पी. मतलब बेसिकली क्या करना चाह रहा है कि इन्होंने क्या किया है, बाहर से भी यूज किया हुआ है इन्होंने, अगर आपको कोई भी इम्पोर्ट करना है डेटा को तो. ठीक है, बात समझ में आ गई. बस इतनी सी चीजें, परसेंटेज वाला थोड़ा सा है, उसको पढ़ के देखना, आपको आ जाएगा समझ में, कुछ भी नहीं है. ठीक है, इस चैप्टर में इतना ही है, केवल तीन चीजें हैं आपको, वो सात स्टेप फॉलो करने हैं. एक ये टॉपिक है और एक बस आपकी पैरामीटराइज्ड क्वेरी. आ गए ना सब समझ में? यस मैम.